हे सो इट्स मी अगेन। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज मेरे पास वो चीज़ है जो मुझे काफी लॉन्ग टाइम से बात करनी है। ये चीज मेनली एनिमे ड्राइंग्स वगैरह और डूडल वगैरह इन चीज के लिए काम आती है। तो इतने सुख से आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है ओहू के एल्कोहल मार्कर्स। इन कलर्स को मंगाने के पीछे मेरे पास दो रीजन है। फर्स्ट तो मुझे ट्राई करने थे क्योंकि मैंने इनसे ना जाने कितने आर्टवर्क्स देखे हैं जो कितने अच्छे बने होते हैं, तो यही चेक करना था कि सच में इनसे इतने अच्छे बनते हैं या बस वो एक दिखावा है। और सेकंड रीजन, मेरी उंगलियां बहुत टूट चुकी थी पेंसिल कलर यूज करते करते, तो मैंने ये मंगा लिए। सो बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है अंदर। सबसे पहले ये दो कलर स्वेचेस देखने को मिलते हैं जिसपे मैंने पहले ही कलर ट्राई कर लिया क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था इनको यूज़ करने का। तो इन पर कुछ नंबर्स और ये नेम लिखे हुए हैं, ये इन कलर के नंबर और नेम ही है ताकि आप इन्हें यहाँ पर ट्राई कर सकें और यूज़ कर सकें। तो इन्हें हटाते हैं और देखते हैं कितने सारे शेड्स हैं। इस बॉक्स में 48 कलर देखने को मिलते हैं जिसमें वेरियस शेड्स ऑफ कलर अवेलेबल है। एंड इसका टेस्ट मैं राउंड वाइज करने वाला हूँ, लाइक राउंड 1, 2, 3। फीचर नंबर 1 की इसमें हमें दो टिप देखने को मिलती है, एक तो ब्रश टिप एंड एक चिजल टिप। तो दोनों टिप्स का काम अपना अलग अलग होता है। तो ब्रश टिप से आप ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं इसे, लाइक दिस, इसकी टिप बैंड हो जाती है। एंड चिजल टिप को ज्यादा एरिया कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। सेकेंड फीचर, जैसे कि मैंने बताया इसकी टिप ब्रश टिप है, तो इससे आप जो कैलीग्राफी वगैरह करते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। फीचर नंबर 3, ब्रश टिप होने के कारण इससे ब्लेंडिंग काफी अच्छी होती है। नाउ राउंड 2, जैसे कि राउंड 2 इंक टेस्ट है, इसके लिए मेरे पास तीन पेपर अवेलेबल है, 75 GSM, 140 GSM एंड 250 GSM। तो इन पे मैं अपने चैनल का नेम राइट करके ये देखूंगा कि इन कलर से इंक से पेपर पे क्या फर्क पड़ता है। नाउ द रिजल्ट टाइम, तीनों पेपर पर ट्राई करने के बाद ये पता चला कि 75 एंड 140 जीएसएम वाले पेपर पर इंक काफ़ी स्प्रेड होती है पेपर के बैक साइड, जो कि अदर पेपर खराब कर सकती है अगर आप किसी स्केचबुक या ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रहे हो तो। नाउ राउंड 3, इट्स टाइम फॉर द फाइनल आर्ट, सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। स्किन कलर के लिए मैं पेंसिल कलर यूज कर रहा हूँ बिकॉज जो स्किन कलर इस बॉक्स में आया है वो पाउडरी ऑरेंज है, वो लाइट ऑरेंज नहीं है जो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं पेंसिल कलर यूज कर रहा हूँ स्किन शेड देने के लिए। बॉक्स में जो कलर है वो ये वाला कलर है जो कि काफी ऑरेंजिश शेड है, तो ये इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। शेडोज के लिए मैंने ब्राउन बीज कलर यूज किया है। बाकी सब तो ऑरेंज एंड रेडी से ही हो गया है पूरा। बुनाई को मेटल फिनिश देने के लिए मैंने पेंसिल कलर यूज किया है। नाउ सी द फाइनल पीस। सो द फाइनल आर्टवर्क इज कम्प्लीट एंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ही बना है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी अच्छा बना है। इसमें मैंने पेंसिल कलर भी काफ़ी यूज़ किया क्योंकि ओहू के ऊपर पेंसिल कलर डेफिनेटली यूज़ करने ही चाहिए, जिससे मेरे को काफ़ी अच्छे शेड्स वगैरह यहाँ पर जैसे लाइट से डार्क ऐसे कलर काफ़ी मिले।
सबसे अच्छा चीज़ मुझे इसमें ये नारुतो का टेक्स्ट लगा जो मैंने ऑरेंज एंड येलो कलर एंड रेड कलर से तीनों को मिक्स करके बनाया है। तो प्राइस ऑफ दीज ओ कलर आर 999 रुपीज़, जो कि रीज़नेबल भी है क्योंकि इतने अच्छे शेड्स वगैरह और इतने 48 कलर्स मिलते हैं इतनी अच्छी ब्रांड के, तो इतना तो बनता ही है। कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी है कि जैसे ये मार्क्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये जब होते हैं जब आप पेंसिल के ऊपर ओहू मार्कर चलाते हैं, ना कि ओहू के ऊपर पेंसिल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।